IBN 7 Horsefly. नमस्कार, मैं हूं पायल भुयन। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आज बात नोएडा की तीन अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की हम करेंगे। सूत्रों के मुताबिक जांच पे पता चला है कि साठगांठ से होने वाले जमीन के सौदों में यादव सिंह का हिस्सा 30% का हुआ करता था। 954 करोड़ के घोटाले में उन्हें क्लीन चिट देने वाले सीबीसीआईडी के ऑफिसर्स के खिलाफ ही जांच हो सकती है। उन पर विदेशों में भी निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक है, लिहाजा उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच भी हो सकती है, जिससे खुल सकते हैं उत्तर प्रदेश के मिस्टर 30% के बड़े राज। एक हजार करोड़, यहां एक के बाद कितने जीरो लगे हैं आप आसानी से गिन नहीं पाएंगे। इसे गिनना मुश्किल है। अनुमान है कि उतनी ही दौलत कमाई है नोएडा के पूर्व इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह ने, यानी करीब 1000 करोड़ रुपए। उसके पास सब कुछ है, करोड़ रुपए के महल नुमा बंगले, लाखों रुपए की लग्जरी कारें, करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात। आरोपों के मुताबिक यादव सिंह ने यह दौलत घपलों और घोटालों के जरिए इकट्ठा की, क्योंकि बतौर इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह की तनख्वाह थी करीब 1,25,000 रुपए महीना, यानी सालाना करीब 15 लाख रुपए। इसने करीब 34 साल नौकरी की और 15 लाख के हिसाब से भी 34 साल में सिर्फ 5 करोड़ रुपए बनते हैं। सवाल ये है कि फिर कहां से आई 1000 करोड़ रुपए की दौलत। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि यादव सिंह के पास कहां से आई इतनी दौलत। असल में ये सारा खेल है 30% के कमीशन का। सूत्रों के मुताबिक जब भी अथॉरिटी किसी बिल्डर को जमीन का आवंटन करती थी, उसकी कीमत के ठीक बराबर ही काला धन भी बिल्डर को देना होता था। सूत्रों के मुताबिक इस काले धन में यादव सिंह का हिस्सा था 30%। इस 30% की कमाई से ही यादव सिंह ने 1000 करोड़ की दौलत इकट्ठा कर ली। दौलत छुपाने का यादव सिंह का तरीका भी आपको हैरान कर देगा। शुक्रवार को जब यादव सिंह के दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के 20 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा शुरू हुआ, तो उसके बंगले के बाहर खड़ी एसयूवी से 10 करोड़ रुपए मिले। आयकर विभाग के अधिकारियों को छापेमारी के दौरान सोफे के अंदर छुपाकर रखी गई एक चाबी मिली। ये चाबी एक एसयूवी कार की थी। अधिकारियों ने जब चाबी से एसयूवी कार को खोला तो गाड़ी की डिग्गी के अंदर कुछ बैग मिले और उस बैग में थे 10 करोड़ रुपए। काली कमाई को छुपाने का यादव सिंह का ये अंदाज निराला है। नकद रकम वो घर में नहीं कार में छुपा कर रखते थे। उसकी ऑडी कार और फॉर्चुनर से नोटों की बोरियां मिली हैं, लेकिन असली खजाना उन बेनामी संपत्तियों और निवेश के कागजात में है जो यादव सिंह ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम कर रखी थी। यादव सिंह के अलग अलग ठिकानों से 12 बोरे कागजात मिले हैं, जिनमें यूरोप समेत कई देशों में भी निवेश किए जाने के सुराग मिले हैं। इसलिए ईडी ने भी इस मामले की रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग से मांगी है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक उसने इंजीनियर यादव सिंह, उनकी पत्नी कुसुम लता, पार्टनर राजेंद्र मनोचा, राजेंद्र की पत्नी और पार्टनर नम्रता मनोचा और पार्टनर अनिल पेशावरी की 60 कंपनियों की टैक्स चोरी, स्टाम्प चोरी जैसे मामले में छापा मारा है। आरोप है कि यादव सिंह और उसके रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों के नाम पर नोएडा अथॉरिटी से हजारों मीटर जमीन सस्ती कीमतों पर अलॉट करवाया जाता था, फिर उन्हें ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता था। बोगस शेयर होल्डिंग बनाकर कुछ कंपनियों ने नोएडा अथॉरिटी से अपने नाम प्लॉट अलॉट करवाए। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग को शक है कि घपलों और घोटाले की कमाई यादव सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के कई बिल्डरों के 18 प्रोजेक्ट में लगाई है। यही नहीं, आगरा में भी 2 प्रोजेक्ट में यादव सिंह का पैसा लगा होने का शक है। ब्रजेश तिवारी, नोएडा, आईबीएन 7। पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह को नोएडा के सीईओ ऑफिस से अटैच कर दिया गया है, लेकिन उनके करीब 34 साल के करियर में उन्हें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। क्यों, ये समझना मुश्किल नहीं है।
उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, वो सस्पेंड हुए, फरार रहे, रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी हुआ, सीबीसीआईडी जांच हुई, लेकिन यादव सिंह का जलवा ऐसा था कि उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कार से मिले 10 करोड़ रुपए, घर से मिले 40 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के जेवरात, 12 करोड़ रुपए के डिजाइनर कपड़े, ये सब कुछ बरामद हुआ है नोएडा के उस इंजीनियर के पास से जो सूत्रों के मुताबिक करीब 1000 करोड़ रुपए का कमीशन किंग है। वो कमीशन किंग जो हर डील में वसूलता था 30% कमीशन। कमीशन के इस पैसे से न सिर्फ उसने शानो शौकत वाला साम्राज्य खड़ा किया बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम से 60 कंपनियों में बेनामी मिल्कियत भी हासिल की। उसके रुतबे और दौलत का असर ऐसा था कि यूपी के मिस्टर 30% को नोएडा अथॉरिटी से लेकर बिल्डरों के बीच सम्मान से कहा जाता था YS यानी यादव सिंह। यादव सिंह लग्जरी गाड़ियों के लंबे चौड़े काफिले के बीच नीली बत्ती लगी सरकारी गाड़ी से चलता था। इस काफिले के साथ काले सफारी सूट में लंबे चौड़े कदकाठी वाले निजी सुरक्षा गार्ड चला करते थे जिनकी कमर में 9mm की पिस्तौल लगी होती थी। वैसे तो YS यानी यादव सिंह नोएडा अथॉरिटी का इंजीनियर इन चीफ था, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बड़े बड़े बिल्डर, IAS अधिकारी और नोएडा अथॉरिटी के प्रमुख को भी उसकी एक मेहरबान निगाह पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। सरकारें आई, सरकारें चली गईं, लेकिन उसके रुतबे में कोई कमी नहीं आई। चाहे माया राज हो या अखिलेश की सरकार, उसके रुतबे में कोई कमी नहीं पाई गई। YS यानी यादव सिंह ने 34 साल में बड़ी खामोशी से अपने रुतबे का तिलिस्म रचा, लेकिन पहली बार वो तब चर्चित हुआ जब उत्तर प्रदेश में माया सरकार के जाने के बाद अखिलेश सरकार आई। यादव सिंह के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 20 थाने में 954 करोड़ के घोटाले का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप था कि यादव सिंह ने अपने करीबी रिश्तेदार को बिना काम किए ही पेमेंट जारी कर दिया। 954 करोड़ के घोटाले में मुकदमा दर्ज होने के बाद एक वक्त ऐसा लगा कि नोएडा में YS के कमीशन साम्राज्य का सूरज डूब गया है। वो सस्पेंड हो गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए यादव सिंह फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया ताकि वो विदेश न भाग सके, लेकिन YS अलग ही मिट्टी का बना था। उसने हार नहीं मानी, वो 2 साल तक फरार रहा। उसके खिलाफ CBCID की जांच भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ यादव सिंह ने अपनी पहुंच के जरिए ऐसा खेल किया कि न सिर्फ CBCID की जांच बंद हो गई बल्कि 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से YS यानी यादव सिंह ने धमाकेदार एंट्री की। YS फरारी से अचानक प्रकट हुआ और सीधे नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी का इंजीनियर इन चीफ बना दिया गया। 954 करोड़ के घोटाले का आरोप यूपी की अखिलेश सरकार ने भुला दिया, लेकिन अब जांच एजेंसियों को इसकी याद आ रही है। 954 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच करने वाली CBCID ने यूपी के मिस्टर 30% यानी यादव सिंह को इस मामले में क्लीन शीट दे दी। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग अब उन अधिकारियों के खातों की जांच करेगा जो इस मामले की जांच से जुड़े हुए थे। उन्हें शक है कि इस जांच में घपलेबाजी भी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक यादव सिंह खुद ही कमीशन किंग नहीं था बल्कि ऊंचे सिंहासन पर बैठे लोगों को खुश करने के लिए भी वो अपनी कमीशन की विद्या का इस्तेमाल करता था। इसी वजह से 34 साल पहले 2 कमरों के मकान से जिंदगी की शुरुआत करने वाला YS आज नोएडा में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी बड़े बड़े बंगलों और फ्लैट्स का मालिक है। ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उत्तर प्रदेश के मिस्टर 30% के कई और राज भी सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जितनी जानकारी सामने आई है उसके आधार पर जो तस्वीर उभर रही है वो बता रही है मेरी सहयोगी हिमानी नेथानी। आइए देखते हैं यादव सिंह की अकूत दौलत का लेखा जोखा। YS यानी यादव सिंह यानी कमीशन किंग, जिसके खिलाफ इनकम टैक्स की जांच अभी जारी है। सूत्रों के मुताबिक हर सौदे में उसका 30% का कमीशन तो तय रहता ही था। बड़े और पेचीदा सौदे जो हैं, उनमें तो कमीशन का हिस्सा 30% से भी ज्यादा हो जाता था। कमीशन के इस खेल के जरिए यादव सिंह ने कैसे कायम किया काली कमाई का साम्राज्य, आइए आपको दिखाते हैं यूपी के मिस्टर 30% की यही दास्तान। यादव सिंह, नोएडा अथॉरिटी,
यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का इंजीनियरिंग चीफ। इस पद पर उसकी तनख्वाह 1.25 लाख रुपए यानी कि 1,25,000 रुपए थी, लेकिन इसके ठिकानों से कुबेर का खजाना हाथ लगा है। इन पर पहले भी 954 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप लग चुका है। और जो ताजा आरोप है वो ये है कि इन्होंने कई कंपनियां बनाकर नोएडा में हजारों स्क्वायर मीटर जमीन का घपला किया है। इनकी कंपनियों ने टैक्स चोरी की है। अब जरा देखिए कि कैसे ठाठ बाट थे यादव सिंह के। ये यादव सिंह का नोएडा के सेक्टर 51 में मौजूद बंगला है, आलिशान 500 स्क्वायर मीटर में बना हुआ ये बंगला। इसकी अनुमानित बाजार कीमत 9 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यादव सिंह का एक और बंगला नोएडा के सेक्टर 27 में है, जो कि 200 स्क्वायर मीटर के इस बंगले की अनुमानित कीमत की अगर मैं बात करूं तो वो है 3 करोड़ रुपए। नोएडा के सेक्टर 27 में ही यादव सिंह का एक और, जी हां, 200 स्क्वायर मीटर का बंगला है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये उन्होंने अपनी बेटी को तोहफे में दिया है। अब सोचिए कि ये सब कुछ महज 1,25,000 रुपए की तनख्वाह पाने वाले के पास है। यादव सिंह के पास गाड़ियों का काफिला भी मिला है। इसमें 30 लाख की कीमत वाली ऑडी कार, 25 लाख की कीमत की फॉर्च्यूनर, 10 लाख रुपए की होंडा सिटी और 7 लाख रुपए की कीमत की बोलेरो कार भी शामिल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुलिस को ऑडी से ही 10 करोड़ रुपए भी मिले हैं। इसके अलावा यादव सिंह के घर से 2 किलो जेवरात भी मिले हैं। कहा यह जा रहा है कि इसमें 1 किलो सोना और 1 किलो हीरा है। लेकिन ये शुरुआत है। यादव सिंह के घर से घपले, घोटाले, बेनामी निवेश के 12 बोरे दस्तावेज बरामद हुए हैं और अनुमान है कि पूरी जांच के बाद यादव सिंह की अनुमानित दौलत 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। तो नोएडा की तीन तीन अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह की जायदाद की लंबी फेरिस्त है, लेकिन उनके शान और शौकत सिर्फ नोएडा के सेक्टर 51 के उनके एक बंगलों की देखकर समझी जा सकती है। यहां का जायजा लिया आईविन 7 संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने, देखिए उनकी रिपोर्ट। ये नोएडा का सेक्टर 51 का इलाका है, A10 ये मकान नंबर है। मकान जिस तरह से बनाया गया है, जो भव्यता यहाँ पर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं 3 मंजिला ये इमारत है। यादव सिंह अपने परिवार के साथ इसी इमारत में रहते हैं और जब आयकर विभाग की टीम जब कल यहाँ पहुँची थी तो सबसे पहले यहीं से छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई थी। इमारत जो ये आपको एक बार फिर से मैं दिखा दूं, जो 3 मंजिल बनाए गए हैं, आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर पैसा इस इमारत में लगाया गया है। बाहर सुरक्षा के लिहाज से CCTV जो कैमरे हैं उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। ये यादव सिंह की इमारत है, परिवार के साथ वो यहाँ पर रहते हैं। बाहर सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर कमरा भी बना हुआ है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी इनका तैनात रहता था। 10 करोड़ रुपए अभी जो हार्ड कैश जो बरामद हुआ है वो यहीं से बरामद हुआ है और ये इसी घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी वहीं से बरामद किया है। इनकम टैक्स विभाग ने साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। जो घर के बाहर का जो इलाका मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो यह फुटपाथ बनाई गई है बाकायदा इसको एक शेड दिया गया है और यहीं पर यादव सिंह की गाड़ियां खड़ी हुआ करती थी। 4 गाड़ियां यहां पर थी, वो यहां पर खड़ी होती थी। ये जो ग्रीन बेल्ट का इलाका है यहां पर पार्क बनाया गया है, गार्डन है यादव सिंह का गार्डन। यहां पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इस गार्डन को डेकोरेट किया गया है, झूले यहां पर लगाए गए हैं ताकि जो यादव सिंह के मेहमान या फिर उनके परिवार के लोग यहां पर एंजॉय कर सके। यहां पर कुछ जो एक पिंजड़ा बनाया गया था, यहाँ पर मसकली जो कबूतर होते हैं उनको भी रखा गया था, लेकिन इनकम टैक्स ने जब यहाँ छापा मारा PFA को मामले की जानकारी दी गई। फिलहाल यहाँ के जो मसकली कबूतर है वो इस समय PFA के कब्जे में है। दूसरी तरफ इसके अंदर जनरेटर भी रखे हुए हैं, जो ट्रांसफार्मर है उसको भी पार्क के अंदर रखा गया है। ये पूरी तरह से अवैध है, ट्रांसफार्मर्स को जो है इस तरह के पार्क में नहीं रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा किया गया है। लाइटें मैं आपको दिखा दूं, ऐसी लाइटें लगाई गई हैं, तकरीबन 25 लाइटें पूरे पार्क में ऐसे लगाई गई हैं। जब रात के वक्त यादव सिंह यहां पर टहलते थे तो ये लाइटें जलती थी। पूरा जो ऐशो आराम का यहां पर नज़ारा है, तस्वीरें हैं। बाथरूम भी यहां पर बनाया गया है ग्रीन बेल्ट के अंदर। फव्वारों का भी यहां पर इंतजाम किया गया था, फव्वारे जो वॉशरूम है उसके बगल में फव्वारे भी यहां पर लगाए गए थे और इसी तरह से तमाम जो यहाँ पे इंतजाम है वो किए गए हैं। दूसरी तरफ डेकोरेशन के लिए इस पार्क को और भी सुंदर बनाने के लिए जो हिरन है उनको यहाँ पर बैठाया गया है, ये हिरन के जो बुत हैं उनको लगाया गया है। दोनों तरफ इसी तरह के जो है जो हिरन के बुत हैं वो लगाए गए हैं। पूरे इस पार्क की भव्यता आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसको मेंटेन किया गया है। किसी शख्स के रसूख का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ग्रीन बेल्ट पर कब्जा करके ग्रीन बेल्ट को हथिया कर और अपने ऐशो आराम के लिए उसको यहाँ पर
के लिए, अब ऐशो आराम के लिए यहाँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ ब्रजेश तिवारी, नोएडा, IBN 7। फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं नोएडा अथॉरिटी के उस इंजीनियर की जिसकी काली कमाई करीब 1000 करोड़ होने का अनुमान है। सरकारें आती जाती रही हैं लेकिन पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह जैसे लोग फलते फूलते रहे। आपके हमारे बीच न जाने कितने यादव सिंह अपनी ताकत, ओहदे और पैसे का जलवा दिखाते रहते हैं, हम उन्हें हैरत से देखते रहते हैं। आइए देखें ऐसे ही कुछ मामले। बड़े बड़े जमीन सौदों में कमीशन लेने वाले यूपी के मिस्टर 30% यानी यादव सिंह के पास से जितनी दौलत मिलने का अनुमान है उससे लगता है कि काले खजाने की बरामदगी के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। हालांकि यादव सिंह के मामले की तरह ही देश के ऐसे ही कुछ और मामले चौंका चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी साबित हो चुकी तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बंगले से 1997 के छापे में करोड़ों की दौलत मिली थी। ये तस्वीर उसी दौलत की है। उनके घर से 28 किलो सोना, 800 किलो चांदी, 750 सैंडल, 10,500 साड़ियां, 91 घड़ी और 44 एयर कंडीशनर बरामद हुए थे। सरकारी अफसरों के मामले में यादव सिंह के केस को टक्कर देता नजर आता है मध्य प्रदेश के बर्खास्त हो चुके IAS दंपत्ति अरविंद जोशी और टीनू जोशी के घर से 4 साल पहले करोड़ों की काली कमाई मिली थी। उनके बिस्तर, बाथरूम और किचन से 3 करोड़ रुपए, 7 लाख रुपए की विदेशी करेंसी, 66 लाख के जेवरात और कई 100 करोड़ के निवेश के दस्तावेज मिले थे। यूं तो अतीत में काली कमाई की बरामदगी के कई मामले सामने आए हैं। इनमें से ज्यादातर मामला मध्य प्रदेश का है लेकिन काली कमाई के मामले में यादव सिंह की कहानी कुछ अलग ही है। मध्य प्रदेश में साल 2010 के अगले 3 सालों तक 1000 करोड़ की काली कमाई का पता चला था। हालांकि 1000 करोड़ का ये आंकड़ा नोएडा के मिस्टर 30% यानी यादव सिंह अकेले ही छूते नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ साल से देश भर में बरामद हो रही काली कमाई देखकर लगता है कि करोड़पति क्लर्कों, बाबू, चपरासियों और इंजीनियरों में एक दूसरे को पछाड़ने की होड़ सी चल रही। साल 2011 में मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के छापे में एक चपरासी के पास से 12 करोड़ रुपए की दौलत मिली थी। अप्रैल 2010 में CBI ने दावा किया था कि उसने मेडिकल काउंसिल के तत्कालीन प्रमुख केतन देसाई को 2 करोड़ की घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2013 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने मुंबई में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के उप सचिव आनंद जीवाने के पास से 78,42,000 रुपए बरामद किए थे। मई 2012 में मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के 2 अफसरों के पास से 100 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। देश में विदेश से काले धन पर बहस छिड़ी हुई है लेकिन जिस तरह से इंजीनियरों, बाबुओं और नेताओं के घर से काला खजाना बरामद हो रहा है उससे लगता है कि विदेश से ज्यादा काला धन देश में ही छुपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।